पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। जयंती नटराजन ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के दफ्तर पर गलत प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर कामकाज में दखल देने और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में विशेष अनुरोध करने का आरोप लगाया है। जयंती ने कहा है कि उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट राहुल गांधी के कहने पर रोकने पड़े। यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रहे जयंती नटराजन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जाते जाते जयंती नटराजन वो कर गईं जिसकी उम्मीद कभी नहीं की गई। जयंती ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखे प्रहार करते हुए उन पर परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी दिए जाने के खास अनुरोध भेजने के आरोप लगाए हैं। जयंती नटराजन ने राहुल गांधी के दफ्तर पर गलत प्रचार करने का आरोप लगाया है और कहा है कि लगातार उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। जयंती नटराजन ने आरोप लगाया है कि जब वो पर्यावरण मंत्री थीं, तब राहुल ने उनसे कई प्रोजेक्ट्स की पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी रोकने को कहा था। जयंती नटराजन ने कहा है कि राहुल की ओर से ये तो अनुरोध बताए जाते थे, लेकिन ये उनके लिए आदेश के बराबर होता था। टू माई पार्टी एंड माई लीडरशिप फॉर वॉट एवर अपॉर्चुनिटीज वेयर गिवन टू मी टू सर्व द नेशन एंड टू सर्व द पार्टी एंड आई कंटिन्यू टू मेंटेन that I serve the nation and the party with tremendous dedication to the best of my ability. But today, the party and the values which I joined, it is no longer the same party that I believed in and that I joined. Vedanta, the Niyamgiri project, which Sri Rahul Gandhi himself said that to the tribals that he will be their Sipahi, it was later upheld in the Supreme Court also. I followed my due diligence. The Nirma project, where the cement plant was being sought to be built on a water body, again upheld by the Supreme Court. And there were many projects, the Adani project, where I received specific input from NGOs who had represented to Sri Rahul Gandhi. November 2014 में जयंती नटराजन ने सोनिया गांधी को ये चिट्ठी लिखी थी। जयंती नटराजन की इस चिट्ठी का निचोड़ निकाला जाए तो ये बात सामने आती है कि राहुल गांधी यूपीए 2 के वक्त सरकार के फैसलों में दखल देते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग दैट आइदर मिसेस सोनिया गांधी और मिस्टर राहुल गांधी एवर इंटरफेयर्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट। द मिनिस्टर्स वर फ्री टू टेक डिसीजंस। The allegation made by Mr. Narendra Modi was something called Jayanti tax or Natarajan tax. Now she has to reply and make it clear whether Mr. Narendra Modi's allegation was correct or not. One thing I know that Mr. Rahul Gandhi would be the last person to interfere in the functioning of any ministry. If he wanted to, he would have become a prime minister or a minister himself. So therefore, I think this kind of an allegation by someone who got everything what she got in her life till now from the Congress party, this kind of an allegation is really uncalled for. Congress lagatar in aaropon ko nakarti rahi hai ki Rahul ka sarkar ki nitiyon mein dakhal tha. ये तमाम बातें नवंबर 2014 की उस चिट्ठी में आई हैं जो जयंती नटराजन ने सोनिया गांधी को लिखी थी। आई हैव रिटन इन दिस लेटर व्हिच आई हैव रिटन टू द पार्टी प्रेसिडेंट मैडम सोनिया गांधी दैट आई वाज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई वाज मेड मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड व्हेन आई वाज मेड मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट द पार्टी लाइन वाज वेरी क्लियर that the policy of Srimati Indira Gandhi, that the policy of Sri Rajiv Gandhi to preserve the environment, it must be protected at all costs. And therefore, it was my duty to make sure that every single step I took, no matter how popular or unpopular, should be strictly according to law, according to rules, and preserve the environment at all costs.
despite any interest to the contrary. मेरे सूत्रों ने बताया है कि राहुल गांधी के दफ्तर से कुछ लोग मीडिया को फोन करके कह रहे थे कि मुझे पार्टी के काम के लिए नहीं हटाया गया है। उसके बाद मीडिया में मेरे खिलाफ खबरों की बाढ़ आ गई। मुझे राहुल गांधी और उनके दफ्तर से खास निर्देश होते थे जिनमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्यावरण को लेकर चिंताएं जाहिर की जाती थी। मैंने उन अनुरोधों का पालन किया। जयंती नटराजन ने यह भी आरोप लगाया है कि उन पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कैबिनेट मंत्रियों की ओर से भी कई प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण की मंजूरी देने के दबाव थे, लेकिन वो दबाव में नहीं आई। माय कॉलीग्स इन कैबिनेट ड्यू टू द पार्टी लाइन एंड अराउंड द 20th ऑफ दिसंबर द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी दैट ही वांट्स टू सी मी। व्हेन आई वेंट टू मीट हिम ही लुक्ड वेरी अपसेट। Prime Minister looked very tense, very grim. He got up and he said Madam has said, Mrs. Gandhi has said that you are required for party work. So I said, sir, what do you want me to do? And he said, she wants you to resign. So I said, yes, sir, I'll do that. And within half an hour, I gave my resignation. I immediately asked for an appointment with Congress president, but I was told she'll speak to me on the phone. I spoke to her on the phone and she said, yes, you are required for party work. Please follow Prime Minister's instructions. जयंती नटराजन के इन आरोपों के बाद केंद्र सरकार के मंत्री कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने में लगे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पर्यावरण मंत्रालय को पर्यावरण मंजूरियों की जांच करनी चाहिए। जयंती ने चिट्ठी में एक गंभीर आरोप ये भी लगाया है कि एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ मीडिया में गलत और प्रायोजित प्रचार किया। यहाँ आपको बताते चले कि जयंती नटराजन को दिसंबर 2013 में यूपीए सरकार से हटाकर कांग्रेस पार्टी के संगठन में लाया गया था और तब ये प्रचार किया गया था कि जयंती के कारण कई पर्यावरण प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं क्योंकि वे इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी नहीं देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।